सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स. आज हम बात करने वाले हैं टेक्निकल सपोर्ट सिनारियो बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस विद आंसर्स. पहले मैंने टेक्निकल सपोर्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स मैंने दे दिए हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे रहा हूँ. अगर आप वो क्वेश्चंस प्लस ये सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस करके जाओगे तो आपके इंटरव्यू क्रैक होने के चांसेस 90-95% रहेंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ. क्योंकि मैंने जो क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं वो डिफरेंट सोर्सेस से मैंने ले लिए हैं, और वो सोर्सेस से लेके मैंने वो उसका प्रेजेंटेशन बना के मैं ये प्रेजेंट कर रहा हूँ. ठीक है, अगर आपको ये इंटरव्यू क्वेश्चंस पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए या दूसरे टेक्निकल सपोर्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, क्लिक ऑन बेल आइकॉन एंड आल्सो मेल मी ऑन complexsql@gmail.com. ओके, complexsql@gmail.com पे आप मेल करोगे तो मैं आपको ये सब इंटरव्यू क्वेश्चंस फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ फॉर्मेट में दे दूंगा. ओके, सो चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से. पहला क्वेश्चन है, अ यूजर रिपोर्ट्स दैट देयर कंप्यूटर इज रनिंग स्लो. समझो उन यूजर का कंप्यूटर स्लो चल रहा है, हाउ वुड यू ट्रबल शूट दैट इशू. यहाँ पे इंटरव्यूअर क्या करने की कोशिश कर रहा है, आपको ट्रबल शूटिंग स्टेप्स पूछ रहा है वो. ठीक है, तो उसमें जो 4-5 स्टेप्स रहेंगे वो स्टैंडर्ड स्टेप्स रहते हैं, तो आप वैसा आंसर आपका क्रिएट कर सकते हो. मैंने एक यहाँ पे आंसर दे दिया है, I would start by checking the task manager to identify any resource hogging application or processes. So, आप control shift delete करके task manager open करो, वहाँ पे हर एक process check करने हैं आपको, जो process ज़्यादा resource utilize कर रहा है, तो वो process कौन सा है, वो check करना है पहले आपको, ठीक है? और you required to suggest them to closing unnecessary programs. बहुत बार क्या होता है, ये computer slowness का issue कब आता है users को? जब मल्टीपल प्रोग्राम्स, मल्टीपल एप्लीकेशंस ओपन रहते हैं यूजर्स के साइड से, कोई एक एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रन होता रहता है और वो ज्यादा रिसोर्स अलोकेट करके रखता है या मेमोरी अलोकेट करके रखता है. ओके, सो वो एप्लीकेशन आपको आइडेंटिफाई करके यूजर को बताना है कि वो क्लोज कर दो. अगर वो भी नहीं हो रहा तो आपको एक क्या करना है, एंटीवायरस जो सॉफ्टवेयर रहता है उससे मालवेयर स्कैन करना है. ओके, क्योंकि मालवेयर्स का काम ही वही है, कंप्यूटर स्लो करना. ठीक है, तो वो चेक करना है. एग्जाम्पल फॉर द सेम इज, इफ यूजर कंप्यूटर इज स्लो ड्यू टू द हेवी एंटीवायरस स्कैन, आई वुड रिकमेंड रीशेड्यूलिंग स्कैन ड्यूरिंग ऑफ पिक आवर्स. सो समटाइम्स क्या होता है कि यूजर का जो एंटीवायरस स्कैन है वो बैकग्राउंड में चलता रहता है. ये बहुत बार होता है, 70-80% टाइम्स ये रीजन रहता है कि कंप्यूटर स्लो है, तो ये भी आपको चेक करना है. ओके, और वैसे सजेस्ट करना है कि वो आप स्टॉप करके रख दो और रीशेड्यूल कर दो, नहीं तो वो स्कैन. सेकंड सिनेरियो है, अ कस्टमर कांट कनेक्ट टू द इंटरनेट, हाउ वुड यू असिस्ट इन रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम. आंसर फॉर द सेम इज, आई वुड हैव कस्टमर चेक इफ देयर राउटर इज पावर्ड ऑन एंड कनेक्टेड प्रॉपरली. पहले क्या देखना है आपको, राउटर ये सब हार्डवेयर डिवाइसेस अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं, ये चेक करना है एज अ टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर. देन आई माइट गाइड देम थ्रू बेसिक ट्रबल शूटिंग स्टेप्स. बेसिक ट्रबल शूटिंग स्टेप्स रहते हैं जो उसे वो यूजर को पता नहीं रहती कि कैसे करना है, जैसे कि वाईफाई का सेटिंग देखना, वाईफाई के सेटिंग में जाके करेक्ट आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया है कि नहीं यूजर ने, करेक्ट राउटर एड्रेस है कि नहीं, ये सब राउटर सेटिंग्स वगैरह चेक करना. For example, if customer's Wi-Fi is disabled, I can walk them through how to enable it. मतलब sometimes customer का क्या रहता है, Wi-Fi ही disable रहता है, तो disable कैसे enable करते हैं Wi-Fi, वो check करना है और वो बताना है customer को easily, easy steps. Okay? Next scenario is, a user's printer is not printing documents. ये printer related issue है. प्रिंटर रिलेटेड इश्यूज भी क्वाइट अ फ्यू टाइम्स आपको आते हैं, और उसका मेन रीजन रहता है कि प्रिंटर ही आपका नेटवर्क में नहीं रहता, प्रिंटर कनेक्टेड नहीं रहता, हार्डवेयर का इश्यू रहता है, ये सब रीजन से. ओके, सो वो ट्रबल शूट कैसे करोगे, ऐसा इंटरव्यूअर क्वेश्चन कर सकता है आपको एज अ टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर. सो आंसर फॉर द सेम इज, आई वुड आस्क द यूजर टू एंश्योर द प्रिंटर इज पावर्ड ऑन, कनेक्टेड टू द कंप्यूटर and has enough paper and ink.
I might guide them through reinstalling the printer drivers or running a test print. Okay. If issue persists, I would remotely access their computers to troubleshoot further. Okay. So ये जो questions है वो related not related to exact application है. ये सब desktop support के related questions है. Okay. Next question is, customer's email is not syncing on their mobile device. What steps would you take to diagnose and resolve the issue? Okay, customer का mail sync नहीं हो रहा, ये भी issue बहुत बार आता है customer के side में, ठीक है? तो वो कैसे आप resolve करोगे? I would ask customer to check their email account settings. तो आपको पहले email account settings में जाना है, वो check करना है. Ensure that they have the stable internet connection. If issue still continues, I would guide them through removing and re-adding the email account. आपको क्या करना पड़ता है? वो email account है, वो remove करके फिर से re-add करना पड़ता है. Okay? For instance, if customer's email server settings are incorrect, I would help them to update the settings. Okay? So, आपको सब ये email settings, server settings कहाँ पे है, वो पता रहना चाहिए as a technical support engineer. Next question है, a user can't access specific website, how would you troubleshoot this problem? So ये firewall related issue रह सकता है, मतलब firewall क्या करता है, कुछ websites block करता है, जो उसको insecure रखते हैं, okay? या HTTPS नहीं रहता उसमें. So you can just troubleshoot that using you require to ask user to try accessing other websites to determine issue is site specific है. या फिर इंटरनेट स्पेसिफिक है. समटाइम्स क्या रहता है, इंटरनेट स्पेसिफिक भी इश्यू रहता है, राइट? सो इंटरनेट स्पेसिफिक इश्यू रहता है और वो कुछ साइट ओपन कर रहा है, जैसे कि www.complexsql.com ये ओपन करने की कोशिश कर रहा है वो, बट वो उसका गूगल भी नहीं ओपन हो रहा, इंटरनेट ही नहीं चल रहा, तो कैसा है? तो ये पहले आपको चेक करना है. इफ इट्स जस्ट वन साइट, देन आई माइट सजेस्ट क्लियरिंग द ब्राउजर कैशे. तो ये बहुत बहुत बार ये इश्यूज आता है, एप्लीकेशन रनिंग के समय भी बहुत बार ये इश्यू आता है, फिर तक आपका एप्लीकेशन नहीं चलता. क्यों? क्योंकि वो कैश से कुछ लेता है, जो जब इंटरनेट आपका शुरू नहीं रहता तब कैश में कुछ स्टोर रहता है, राइट? सो वो डायरेक्ट कैश को कनेक्ट करके वो आपको जो एरर है वो डिस्प्ले कर रहा है. ओके, सो आपको वो कैश कुकीज वो पूरा क्लियर करना है और चेक करना है. इफ इश्यू स्टिल परसिस्ट, आई वुड चेक इफ वेबसाइट इज डाउन और ब्लॉक्ड. फिर आपको थर्ड स्टेप में क्या करना है, वो वेबसाइट डाउन है क्या, वो वेबसाइट फायरवॉल से ब्लॉक हो रही है क्या, ये चेक करना, ठीक है? नेक्स्ट सिनेरियो इज, अ कस्टमर्स कंप्यूटर स्क्रीन सडनली टर्न्स ब्लू विथ एन एरर मैसेज. ये इश्यू बहुत इंपॉर्टेंट है डेस्कटॉप सपोर्ट है टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर के लिए. ये इश्यू आपने फेस किया ही होगा आपके लाइफ टाइम. लाइक हाउ वुड यू असिस्ट देम इन रिजॉल्विंग ब्लू स्क्रीन ऑफ डेट इश्यू, दैट इज BSOD इश्यू. ये इंपॉर्टेंट इश्यू है. ओके, आई वुड आस्क द कस्टमर टू नोट डाउन द एरर कोड मैसेज डिस्प्लेड ऑन द BSOD, द ब्लू स्क्रीन पे क्या मैसेज डिस्प्ले हो रहा है वो चेक करना है आपको पहले. Then I would guide them through restarting the computer and checking for any recent hardware or software changes. So restart करके कौन से recent hardware changes है, कौन से recent software changes है, वो check करने की कोशिश करना है आपको as a second step. Okay? For an instance, if driver update caused the BSOD issue, then I would recommend rolling back the driver. Most of times क्या रहता है, कुछ softwares के update आते हैं, जैसे कि विंडोज अपडेट, वो बीच में फेल हो जाते हैं, आपका इंटरनेट नहीं चलता इंस्टॉलेशन के टाइम, उसके वजह से आ रहा होगा. नेक्स्ट इज ड्राइवर, जो है ड्राइवर का इशू वो बहुत बार रहता है, जैसे कि प्रिंटर ड्राइवर आप इंस्टॉल कर रहे हो और उसके पूरे फाइल्स एक्चुअली इंस्टॉल नहीं हुए या सपोर्ट नहीं कर रहे आपके सिस्टम हार्डवेयर को, तो भी BSOD इशू आ सकता है. ऐसे कुछ इश्यूज है तो वो आपको एज पर द सिचुएशन आपको रिजोल्व करना है. Next scenario, user smartphone battery drains quickly. What steps would you suggest to improve the battery life?
ये टेक्निकल सपोर्ट में क्यों आता है, क्योंकि समटाइम्स क्या रहता है, जैसे कि मैंने एक लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस में काम किया था, लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस डोमेन में। तो लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस डोमेन में क्या हुआ था, हम यूज करते थे स्मार्टफोन्स, ओके, टू कलेक्ट द डेटा फ्रॉम द यूजर। तो उस समय स्मार्टफोन बहुत इंपॉर्टेंट है यूजर के लिए, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन ऐड किया है इसमें। सो आई वुड एडवाइज द यूजर टू चेक एनी पावर हंग्री एप्स आर रनिंग इन द बैकग्राउंड, क्लोज अननेसेसरी ऐप। देर आर लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर नाउ डेज इन योर मोबाइल एज वेल, जो चेक करते हैं कि कौन सा एप्लीकेशन कितना पावर हंग्री है, राइट? आई माइट सजेस्ट एडजस्टिंग द डिस्प्ले ब्राइटनेस, डिसेबलिंग बैकग्राउंड, ऐप रिफ्रेश एंड यूजिंग बैटरी सेविंग मोड। बैटरी सेविंग मोड करके एक मोड भी रहता है, वो भी आप यूज कर सकते हो। ओके, फॉर एन एग्जाम्पल, अ वेदर ऐप कॉन्स्टेंटली अपडेट्स इन बैकग्राउंड एंड आई वुड रिकमेंड डिसेबलिंग द ऑटोमेटिक रिफ्रेश फॉर दैट। मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन में आप क्या करके रखते हो, ऑटोमेटिक रिफ्रेश ओपन करके रखते हो, उसकी वजह से ये इश्यू आ सकता है। बहुत बार हम क्या करते हैं, रियल लाइफ सिनारियोज में, रियल लाइफ वर्क में भी आप मोबाइल फोन यूज करते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन ऐड किया है इसमें। नेक्स्ट सिनेरियो इज, कस्टमर्स एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव इज नॉट बीइंग रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर कंप्यूटर, हाउ वुड यू हेल्प टू ट्रबल शूट दिस इशू? ओके, सो ये मोर ऑफ सिस्टम एडमिन भी इशू है, सिस्टम एडमिन भी सिनेरियो है। तो ये क्वेश्चन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को भी आ सकता है। ओके, आई वुड आस्क द कस्टमर टू ट्राई कनेक्टिंग द एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव टू डिफरेंट यूएसबी पोर्ट और कंप्यूटर टू रूल आउट पोर्ट एंड हार्डवेयर इशू। जो हार्ड ड्राइव है या एक्सटर्नल डिवाइस है, वो दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट करके देखना है पहले। इफ इट स्टिल नॉट रिकॉग्नाइज्ड, आई वुड गाइड देम चेकिंग द डिवाइस मैनेजर फॉर ड्राइवर इश्यूज और यूजिंग डिफरेंट यूएसबी केबल। ओके, ये केबल का इश्यू रह सकता है, नहीं तो डिवाइस मैनेजर का इश्यू रह सकता है। इफ इश्यू स्टिल परसिस्ट, आई वुड कंसिडर डेटा रिकवरी ऑप्शन। देन अगर ये इश्यू फिर से आता ही है, तो डेटा रिकवरी ऑप्शन था सजेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट सिनेरियो क्या है, यूजर रिपोर्ट्स दैट देयर कंप्यूटर इमिट्स अ लाउड नॉइज फ्रॉम टाइम टू टाइम, हाउ वुड यू असिस्ट डायग्नोसिंग दिस इशू? ये भी इशू आता है बहुत बार। आई वुड आस्क द यूजर टू डिस्क्राइब द नॉइज एंड इट्स कंसर्न, इट माइट बी रिलेटेड टू कूलिंग फैन, ओके, हार्ड ड्राइव और ऑप्टिकल ड्राइव। इफ फैन नॉइज, I would recommend cleaning the fan and checking their obstructions. If it's checking noise from hard drive, I would suggest backing up the data and considering replacement of the hardware or hard drive. Next scenario hai, customer smartphone screen is unresponsive to touch. How would you guide them and troubleshoot this issue? So ye smartphone related hai. Maine kyun add kiya hai, iska reason diya tha. I would ask the customer to check any physical damage to the screen and ensure that it's clean. If the issue still persists, I would suggest restarting the device, checking the software updates. For instance, if touch issue is due to the software glitch, I recommend the factory reset at last. Okay. Ye sab steps hai. Next question, users' computer speakers are not producing the sound, how would you help them to diagnose and fix the audio problems? So it will be the driver problem, or else it will be the speaker problem or power connect problem. So I would ask the user to check the speakers are properly connected and powered on. I might guide them adjusting the audio settings and volume level and testing the audio sources. For example, issues due to the muted audio settings, I would walk through how to unmute the sound. Okay, so this is the solution. Next scenario is, customer software application crashes repeatedly upon launch, how would you assist them in resolving the issue? So customer ka jo application hai wo chal nahi raha, launch karne ke pehle hi wo crash ho raha hai, kya karoge aap? So in that condition, I would suggest the customer to update the software to latest version if available. If issue still persists, I would guide them to clear the application cache and reinstalling the software. For instance, if audio editing software crashes due to the corrupted project files, I would recommend restoring it from backup. Okay, ये एक मैंने
सिनारियो बेस्ड एग्जांपल देके रखा है। नेक्स्ट सिनारियो क्या है, अ यूजर्स कंप्यूटर मॉनिटर डिस्प्लेस अ नो सिग्नल मैसेज, हाउ वुड यू हेल्प देम टू ट्रबल शूट दिस इशू। समटाइम्स ये नो सिग्नल का इशू आता है, आपने देखा होगा आपके सिस्टम पे भी, ओके okay? उस समय क्या करना है, I would ask the user to check the monitor's connection to computer and ensure the correct input sources is selected. If that is not an issue, I would guide them through resetting a graphic card or trying a different cable. Okay, graphic card ka issue ho sakta hai, cable ka issue ho sakta hai. For example, if monitor's cable loose, I would walk them through a secure connection. Next scenario, customer laptop is not charging even it is plugged in. How would you assist diagnosing resolving the charging problems? So, ऐसे इश्यू में क्या करना है आपको? I would ask the customer to change the power adapter. It's securely connected to both laptop and power outlets. If issue still persists, I would guide them through checking the charging port. Charging port check करना है and testing with the different power adapters. If faulty charger, then recommend it to replace it. Okay. So ये बहुत बार ये ऐसे issues रहते हैं, वो hardware related रहते हैं. Okay. Next scenario, a user's computer freezes frequently during the certain task. How would you help them to troubleshoot and address the freezing issue? ये कैसे करोगे? I would ask user if freezing occurs a specific applications or actions. If it's consistent, I would guide them through updating drivers, checking for software conflicts. Okay, आपको ये देखना है कि ये freezing क्यों हो रहा है, कौन कौन से application पे ये freeze हो रहा है। अगर ये consistently freeze हो रहा है तो driver का issue रहता है ये बहुत बार। Driver कैसे update करने वो आपको steps बताने user को। Okay, for an instance, if video editing software freezes due to High resource uses, जैसे कि video editing software हम use करते हैं, तो उसके usages ज़्यादा रहते हैं। तो आपको आपको ये suggest करना है कि वो application close करके आपको hardware upgrade करना होगा, अगर ये computer freeze issue आपको पूरा close करना है तो, okay? So ऐसे आप guide कर सकते हो customer। So, ये 15 इंटरव्यू क्वेश्चन है, वो टेक्निकल सपोर्ट इंटरव्यू क्वेश्चन है, मोस्टली ये डेस्कटॉप रिलेटेड टेक्निकल सपोर्ट के इंटरव्यू क्वेश्चन है। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक ऑन बेल आइकॉन। इफ यू वॉन्ट इंटरव्यू क्वेश्चन लाइक दिस इन पीडीएफ फॉर्मेट, काइंडली मैसेज मी ऑन complexscale@gmail.com। आई विल गिव इट फॉर श्योर। चीयर्स।